Assalamu alaikum student, this is video lecture number 1, week 15, Chemistry Architecture. Hamara jo last lecture tha, week number 14 ka, usme humne input-output devices ke baare mein dekha aur humne ye dekha ki hamara jo CPU hai, central processing unit hai, processor jo hai, ye hamara kaise interact karta hai with input-output devices. Aur jo humne last topic humne dekha tha, that was modes of data transfer. Usse pehle humne ye dekha tha ki हमारे पास ट्रांसमिशन होती कैसे, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कैसे होती है, स्ट्रोक कंट्रोल मेथड क्या होता है, हैंडशेकिंग मेथड क्या होता है, ये हमने देखा था. अच्छा, फिर जब हम मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास तीन मेन मेथड हैं. उनमें से एक मेथड जो था वो था प्रोग्रामड आयो, जिसमें एक प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता था और वो बार बार जाके हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस को चेक करता था कि हमारे पास कहीं पर डेटा तो नहीं आया, और जब वो डेटा आता था तो डेटा फेच करके लिए आता था. लेकिन वहाँ पर हमारा सीपीयू कंटिन्यूसली एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट से करना पड़ रहा था. इस चीज़ से हमने इम्प्रूवमेंट की और हम पहुँच गए इंटरप्ट इनिशिएटेड में. इंटरप्ट इनिशिएटेड में ये होता था कि जब डेटा आता था तो तब हमारे पास एक सिग्नल आ जाता था एंड दैट सिग्नल इज़ कॉल्ड इंटरप्ट, और तब हमारा सीपीयू जाता था इंटरफेस के पास और वहाँ से डेटा फेच करके लिए आता था या डेटा उसने देना होता था. फिर हमने प्रायोरिटी इंटरप्ट को देखा कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम इंटरप्ट करें तो हम कैसे देखते हैं. उसमें हमने डेजी चेनिंग मेथड देखा, हमने पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट्स को देखा. आज का जो हमारा मेथड, आज का जो हमारा एक मेथड हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफ़र मोड का, वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम स्टार्ट करते हैं. ये थोड़ा सा रिव्यू था कि ताकि वो एक सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाए, तो हम यहाँ पर आ गए DMA में. अच्छा, DMA को हमें समझना है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम भी और प्रैक्टिकल इसके भी चीज़ें हैं. इवन आपके सिस्टम्स में भी ये जो एक कंपोनेंट है ये अवेलेबल है. अच्छा, जो DMA हमारे पास टेक्निक है, इसमें बेसिकली होता क्या है? तो पहले तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो चीज़ है क्या, वो हमने ये देखना है कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास जो हमारा स्टोरेज है, डिस्क स्टोरेज है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट. हमारे पास जो डिस्क स्टोरेज होती है ये हमारे पास वन ऑफ द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र होती है. और हमारे पास ये मेमोरी में, अगेन हम समझें कि हमारे पास एक IO डिवाइस है, फिर हमारे पास बीच में प्रोसेसर आ जाता है और फिर हमारे पास मेमोरी आ जाती है. मेमोरी हमारे पास मेन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, हम स्टोरेज डिवाइस की बात नहीं कर रहे. हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं दे ऑल्सो एक्ट एज अ क्या कहते हैं, हमारे पास इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेज, इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं. अच्छा, अब होता ये कि CPU जो होता है ना, हमारे पास जो CPU होता है ये मुख्तलिफ़ कामों में लगा होता है. ठीक है, ये मुख्तलिफ़ कामों में लगा होता है, और ये अगर हम सारी कम्युनिकेशन थ्रू CPU करेंगे तो हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता. जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास वो लिमिट हो जाता है, यानी हमारे पास जो हमें स्पीड रिक्वायर्ड होती है वो हम हासिल नहीं कर सकते. ठीक हो गया. तो अगर हम क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़म हो कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस को और मेन मेमोरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें और CPU को बीच में सटा दें. ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, नॉट परमानेंटली, फॉर द टाइम बिंग. इस मैकेनिज़म को हम क्या कहते हैं, इस मैकेनिज़म को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक है, जैसे नाम भी आपको क्लियर है. देखिए, हमारे पास जो अल्टीमेटली चीज़ों का जाना होता है वो डायरेक्टली हमारे पास मेमोरी में जाना होता है. जो हमारे पास इनपुट आउटपुट की चीज़ें होती हैं तो हमारा कनेक्शन मेमोरी के साथ होता है. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेज होती हैं दे आर बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेमोरी, यानी हम CPU को थोड़ी देर के लिए उसमें सटा देते हैं. ठीक हो गया. और जब CPU हट जाता है तो CPU अपने आइडल मोड में चला जाता है. और जो बसेज होती हैं, देखिए बसेज होती क्या, बसेज हमने वीक 13 में देखा था कि हमारे पास तीन टाइप्स की बसेज हैं. एक हमारे पास, बल्कि वीक 14 में हमने देखा था, एक हमारे पास एड्रेस बस है, एक हमारे पास डेटा बस है और एक हमारे पास कंट्रोल बस है. ये बसेस जो होती हैं ये बेसिकली कंट्रोल, इन पे किसका कंट्रोल होता है, CPU कंट्रोल होता है. अच्छा, वो जो कंट्रोल होता है CPU क्या कर देता है, वो दे देता है DMA को. ठीक है, और DMA क्या कर देता है, वो कंट्रोल जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के दरमियान के लिए इस्तेमाल कर देते हैं. यानी अब हमारा CPU बीच में से हट गया है और जो ये कम्युनिकेशन है अब वो कौन मैनेज कर रहा है, ये कम्युनिकेशन अब हमारे पास DMA मैनेज कर रहा है. ठीक है, और इस टाइम में हमारा जो CPU होता है ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये आइडल हो जाता है, यानी ये फ्री बैठा होता है. ठीक हो गया. अच्छा, क्योंकि इसमें हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र होना है तो इसमें हमारे पास ऐसे प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है और CPU अपने इसमें बाकी काम भी कर सकता है अगर उसे मेमोरी से कोई काम नहीं करना. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास CPU को आइडल
मोड में डालने के हमारे पास जो कॉमन मेथड है वो है, एक है बस रिक्वेस्ट और दूसरा है बस ग्रांट। अच्छा, बस रिक्वेस्ट क्या होती है? अच्छा, ये जो दो सिग्नल्स हैं ये हमारे पास ये बेसिकली कम्युनिकेशन है बिटवीन द DMA एंड द CPU। बस रिक्वेस्ट जो होती है बेसिकली, ये हमारे पास अगर इस डायग्राम में भेजें, ये हमारा DMA कंट्रोलर बस रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर जैसे लिखा है DMA कंट्रोलर रिक्वेस्ट टू द CPU, तो ये हमारे पास ये सिग्नल जो थे बस रिक्वेस्ट का कि अब मुझे आपकी ये जो हमारे पास IO बस है, ये जिसमें डाटा एड्रेस और कंट्रोल बस है, ये मुझे आपकी चाहिए, CPU से वो रिक्वेस्ट कर रहे। अच्छा, अब जब ये हमारे पास ये इनपुट का मतलब है कि ये आपके पास CPU की तरफ आई है, ठीक हो गया, एरो भी आपके सामने नज़र आ रहा है, और इन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर, व्हेन इनपुट इज़ एक्टिव द CPU टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है उसे टर्मिनेट कर देते हैं, प्लेसेस द एड्रेस बस डेटा बस एंड रीड एंड राइट जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं इनटू हाई इंपेडेंस स्टेट। हाई इंपेडेंस स्टेट मींस दैट द आउटपुट इज़ डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बस का ये कनेक्शन है ये हम किसको देने लगे हैं, ये हम देने लगे हैं अपने DMA को। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये बस ग्रांट जो है ये टूवर्ड्स द DMA जा रही है कि आपको ये बता रहे हैं कि इनको हमने हाई इंपेडेंस में डाल दिया। हाई इंपेडेंस का मतलब है कि अब हमारे पास जो बस है उसका ताल्लुक हमारे से CPU से ख़त्म हो गया है। अब ये कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये आपके पास इस्तेमाल कर सकता है DMA टू कम्युनिकेट बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द मेमोरी। अच्छा, हमारे पास ये जैसे बताया हुआ है कि एक्सटर्नल DMA जो है, DMA इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट, अभी हम आगे जाके देखेंगे एक इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट है। तो अब ये जब बस ग्रांट का आउटपुट उसे मिल जाता है तो हमारी CPU को ये उसे बता देता है कि बस आपके पास है, अब आपने जैसे भी इसको इस्तेमाल करना है आप करें, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया जी। और जब हमारे पास DMA अपनी तमाम ट्रांसफ़र बिटवीन IO डिवाइसेस एंड मेमोरी कर देता है तो वो बेसिकली जो हमारे पास बस रिक्वेस्ट का है हमारे पास सिग्नल, उसको हमारे पास वो ज़ीरो कर देता है और हमारे पास जो CPU है वो बस ग्रांट को भी ज़ीरो कर देता है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अब हमारे पास जो बसेस का कंट्रोल है या हमारे पास जो IO बस है उसका कंट्रोल किसके पास चला जाता है, दोबारा CPU के पास चला जाता है, और CPU फिर अपनी प्रोसेसिंग के लिए उस बस को इस्तेमाल कर देता है, क्योंकि CPU को भी बस चाहिए होती है, क्योंकि उसने आपका जो डेटा होता है, आपकी तमाम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तो आपके पास मेन मेमोरी में पड़ी होती हैं, उनको लाना ले जाना, ऑपरेंड को कैसे फेच करना है, वो तमाम का तमाम काम फिर हमारा CPU अपना शुरू कर देता है, ठीक है। हमारे पास जो ये जो ट्रांसफ़र है बिटवीन IO डिवाइसेस एंड मेमोरी विद द हेल्प ऑफ DMA, वो हमारे पास दो तरीक़ों से होती है, एक आपके पास DMA बर्स्ट होता है और एक आपके पास होता है DMA साइकिल स्टीलिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मोड्स हैं जिनके ज़रिए हमारा क्या करता है, जो हमारा DMA है वो काम करता है। DMA बर्स्ट क्या होता है, DMA बर्स्ट ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और आपने क्या किया है, आपने बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक वर्ड को पिक करना है, यानी हमारे पास वो एड्रेस आ जाते हैं और वो फिर बर्स्ट में, एक ही बर्स्ट में, यानी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो तमाम के तमाम नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो होते हैं वो फिर ट्रांसफ़र होने लगते हैं, ठीक है। और हमारे पास वहाँ पर काउंटिंग भी होती है, एड्रेस दिया जाता है, हमारे पास वर्ड्स की तादाद दी जाती है DMA को, और वो हर वर्ड ट्रांसफ़र होने के बाद डिक्रीमेंट होता जाता है, और जैसे ही तमाम वो बर्स्ट पूरा हो जाता है यानी वर्ड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो हमारे पास ये सारा एक मोर मेथड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक्सपेंसिव क्यों है, एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्ड ट्रांसफ़र किया जाता है। वर्ड के बारे में आपको पता है कि वर्ड क्या होता है, तो उसमें एक वर्ड को ट्रांसफ़र करने के लिए बस रिक्वेस्ट की जाएगी, हाई पेडल्स होगा, बस ग्रांट की जाएगी, और ये सिर्फ एक वर्ड के लिए होता है। इसके कंपैरिजन में जो हमारा बस ट्रांसफ़र है वो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल होता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। हर डिवाइस बस ट्रांसफ़र पे भी नहीं चलती और हर डिवाइस साइकिल स्टीलिंग पे भी नहीं चलती। फॉर एग्जांपल, आपने कीबोर्ड से कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो वहाँ पर तो आप स्लोली देंगे, हाँ, लेकिन अगर आपने प्रिंटर पे करना है तो वो आप बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपने डेटा स्टोरेज के लिए करना है तो बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग नेचर ऑफ़ द डिवाइस, आपके पास ये मोड सेलेक्ट होता है। ये कैसे होता है ये हम देख लेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 1 ख़त्म करते हैं और फिर इससे आगे जो हमारे पास वीडियो नंबर 2 है उसमें हम DMA कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, जो रजिस्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास कैसे काम करते हैं और उनकी क्या अफादियत है जब हम DMA की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
वीक 15 की वीडियो नंबर 1 जो है यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू।